दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 27 सितंबर 2019 शुक्रवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 नई बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया के वैकेंसीज है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताएं हैं जिनसे आप इन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हो। 50,000 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आवेदन शुल्क आपको किस भर्ती के लिए जमा करना होगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 27 सितंबर 2019 की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। UPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, वेरियस पोस्ट है। ये भर्ती कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के माध्यम से की जाएगी। 495 खाली पद है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। जनरल या OBC कैटेगरी के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। SC ST फीमेल और PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से चलांज के माध्यम से भी आप ऑफलाइन फीस जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंडिया में आप किसी भी राज्य से इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हो। upsc.gov.in या फिर upsconline.nic.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 25 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 अक्टूबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट चालान के माध्यम से 14 अक्टूबर 2019 है। एग्जामिनेशन हेल्ड होगा 5 जनवरी 2020 को। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो भर्ती भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही निकली है। ये भर्ती भी वेरियस पदों पर की जाएगी। ये भर्ती कंबाइंड जियो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2020 के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 102 खाली पद है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। MSc पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 32 वर्ष है। जनरल या OBC के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। SC ST PWD और फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। upsc.gov.in या फिर upsconline.nic.in पोर्टल से इस भर्ती के लिए भी आप 25 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2019 है चालान के माध्यम से। इस भर्ती की डेट, एग्जाम की डेट की बात की जाए तो 27 और 28 जून 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जेलर की भर्ती निकली है। वेरियस पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसलिए आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। डिग्री धारक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। TNPSC.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, जिससे आप इस भर्ती के लिए 3 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम हेल्ड होगा 22 दिसंबर 2019 को। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये भर्ती भी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। 31 खाली पद है, सेली लेवल 12 के अंतर्गत पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल और OBC के लिए ₹500 अप्लाई शुल्क है। SC ST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो।
opsc.gov.in या फिर opsconline.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की भी स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 अक्टूबर 2019 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 नवंबर 2019 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 नवंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, रीडर, मेडिकल ऑफिसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर फिजियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों 45 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी 15,600 से 39,100 है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। रीडर पोस्ट के लिए 28 से 45 वर्ष आयु सीमा है। प्रोफेसर पोस्ट के लिए 30 से 50 वर्ष है। असिस्टेंट डायरेक्ट AE और MO के लिए 21 से 40 है। प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 है। बाकी की पोस्ट के लिए 25 से 40 वर्ष है। जनरल OBC के लिए ₹105 अप्लाई शुल्क है। SC ST के लिए 65 है। PH हैंडीकाप्टिड के लिए यहाँ पर 25 रुपये है। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। upsc.up.nic.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 24 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 अक्टूबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कोर्ट असिस्टेंट के लिए 8 खाली पद है। सैलरी 44,900 से लेवल 7 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। SCI.gov.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 14 अक्टूबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल एड्रेस आप नोटिस से चेक कर सकते हो जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सबमिट करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 26 खाली पद है। सैलरी 5,200 से 20,200, 9,300 से 34,800 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए ₹600 अप्लाई शुल्क है जबकि SC ST के लिए ₹150 है। सिलेक्शन होगा रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। रोहतक हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। UHSR.ac.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 14 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। पोस्ट है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। 72 खाली पद है। सैलरी 15,600 से 39,100, 37,400 से 67,000 और कुछ पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 56 वर्ष आयु सीमा है। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। एग्जाम या इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। cgatnew.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 8 अक्टूबर 2019 है। वहीं बात 9 नंबर जॉब की जाए तो ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत निकली है। स्टेनोग्राफर, रीडर और जूनियर क्लर्क के 5 खाली पद है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12th और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 65 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी और सिलेक्शन से रिलेटेड जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, district.ecourt.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 30 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में। पोस्ट है आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी सेविका की। 467 खाली पद है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। 8वीं 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। icdsbih.gov.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए 30 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि शुक्रवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती के लिए यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको आवेदन फॉर्म का लिंक भी यहीं पर मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती का आवेदन पत्र यहीं से डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।